हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम वापस पैन कार्ड के साथ अगर पेमेंट करते हैं तो क्या होगा। अगर टीडीएस हमें पैन कार्ड के साथ काटना है तो वो उसको हम कैसे कर सकते हैं और उस प्रोसीजर में क्या होगा। कल जब वीडियो मैंने क्रिएट किया था तो उसमें विदाउट पैन कार्ड जो है क्रेडिटर पार्टी को टीडीएस काट करके कमीशन भुगतान हुआ था, तो यहाँ पर पैन कार्ड के साथ अगर करते हैं तो 10% ही टीडीएस कटता है, आपको मालूम है। तो इस प्रोसीजर को कैसे करेंगे, चलिए ये एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, F11 की प्रेस करनी है। यहाँ पर आपको गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है F11 की। तो यहाँ पर F11 की मैं प्रेस कर लेता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये जो है इनेबल है, तो यहाँ पर आप इसको नो कर दीजिए। यहाँ पर हमें जरूरत नहीं है, आप चाहे तो लगा भी सकते हैं, टीडीएस के साथ भी ये अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ वाई प्रेस कर देता हूँ, टीडीएस तो हमें अप्लाई करना ही करना है। तो यहाँ पर जो 10 नंबर है वो दे देता हूँ, प्रेस किया, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पे कंपनी रख लेता हूँ और ब्रांच डिवीजन जो भी है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे देवरिया रख देता हूँ मैं, एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो भी आपके रिस्पॉन्सिबल पर्सन है इसके लिए उनका नाम यहाँ पर आप दे सकते हैं, एंटर प्रेस किया। यहाँ पर पैन कार्ड की डिटेल आएगी, डेजिग्नेशन ये है क्या, तो ये सीए है और यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर जो है वो पूरा डाल देंगे हम, एंटर प्रेस किया। ये पैन कार्ड का नंबर आपको सही डालना है, ये बात ध्यान रखिएगा। एंटरप्राइज किया, यहाँ पर फ्लैट नंबर वगैरह आ जाएगा। अब फिलहाल मैं ये सब छोड़ता हूँ, एंटरप्राइज करके इसे एक्सेप्ट कराता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, रेट एंड एक्सेम्प्शन डिटेल्स इसमें आपको कुछ भी करना नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसे एक्सेप्ट करा लीजिए, कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब हमें टीडीएस के लेजर्स वगैरह बनाने हैं, तो आपको पता है मैंने आपको बताया था कि जो भी काम होता है ये सब वाउचर्स में जाकर के, और फिर हमें जाना होता है जनरल वाउचर में, तो आपको F7 की प्रेस कर लेनी है। यहाँ पर हमें सारा काम वो करना है। तो मान लीजिए हम कमीशन को ही ले लेते हैं, कमीशन पे ही कर लेते हैं ये काम। तो यहाँ पे कमीशन लिखता हूं मैं, तो टीडीएस किस पे कटेगा, कमीशन पे कटेगा। मान लीजिए आप कहीं पोस्ट ऑफिस में या कहीं भी एजेंट हैं, तो ये कमीशन हो गया आपका। और कमीशन क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये तो पता ही है आपको। एंटर प्रेस किया, यहाँ पे जाकर के, और फिर यहाँ नेचर ऑफ पेमेंट, तो नेचर ऑफ पेमेंट में यहाँ क्रिएट कर लेंगे हम, क्या पेमेंट का नेचर होगा वो चीज हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। तो पेमेंट का नेचर है कमीशन का, ठीक है। तो यहाँ पे कमीशन कर लेता हूँ, करेंगे यहाँ पे सेक्शन आएगा 194H, ठीक है। इसमें थोड़ी बहुत कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन इसको मिस्टेक मत करिएगा, क्योंकि ये सेक्शंस अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप ये कर नहीं पाएंगे। यहाँ पे अगर पैन कार्ड है तो 10% ही कटेगा, और यहाँ पे एग्जेम्पशन जो लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट है, उसे मैं दे देता हूँ 15,000, ठीक है। पिछले वीडियो में 10,000 दिया था हमने, यहाँ पे 15,000 कर देते हैं। पैन कार्ड की डिटेल चाहे तो आप डाल सकते हैं और भी चीजें आप डाल सकते हैं। यहाँ पे 4,00,000 रुपए कमीशन पेमेंट हो रहा है, ठीक है। एंटर प्रेस किया, यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है, तो यहाँ पे क्रेडिटर पार्टी का लेजर यानी कि जो ये कमीशन प्राप्त कर रहे हैं उनका नाम यहाँ पे आएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे कर देता हूं रितेश, ठीक है। और ये जो है क्रेडिटर पार्टी हमारी, तो सन्ड्री क्रेडिटर में इसे डालेंगे, यही तो प्राप्त कर रहे हैं कमीशन, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर कर दिया हमने। यहाँ पर आएंगे इस टीडीएस डिडक्टेबल, तो यहाँ पे यस कर दीजिए आप, और डिडक्टी टाइप में आप यहाँ पर इंडिविजुअल रेजिडेंस कर देता हूं मैं, और यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होगा ही होगा इसमें। एंटरप्रेस करेंगे, एंटरप्रेस करते हुए यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे पिन कोड वगैरह आप डाल सकते हैं, इनका एड्रेस डाल सकते हैं, और बैंक की डिटेल अगर डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। पैन कार्ड की डिटेल यहाँ पे डाल देता हूं मैं, ये पैन कार्ड की डिटेल है, ये पैन कार्ड की डिटेल हो गई, ठीक है। प्रोवाइड पैन डिटेल्स, तो ये हमने दे दिया, एंटरप्रेस किया, तो ये हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने पैन कार्ड दिया है तो टीडीएस काट करके इतना कमीशन इन्हें प्राप्त होगा, कुल मिला के 4,00,000 कमीशन बना है इनका और 3,60,000 इन्हें प्राप्त होगा। तो ये एंटरप्रेस किया हमने, और एंटरप्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको न्यू रेफरेंस ही रखना है, यहाँ पे भी न्यू रेफरेंस रखना है, और यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो एक और लेजर अल्ट सी करके आप बना लेंगे। टीडीएस हमने काटा है तो टीडीएस किस पे कटा है, कमीशन पे कटा है, तो ये लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं, टीडीएस ऑन कमीशन, एंटरप्रेस करेंगे। जो भी टीडीएस से रिलेटेड लेजर होते हैं या जो भी टैक्सेस से रिलेटेड लेजर्स होते हैं उसको हम रखते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, ये तो पता ही है आपको, कई सारे वीडियोस में मैं बता चुका हूं। यहाँ पे टीडीएस रखेंगे हम, और यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट, तो यहाँ कमीशन पे ही तो ये हुआ है, तो ये कमीशन कर दिया हमने, एंटरप्रेस किया। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि टीडीएस कितना कटा हुआ है, ये निकल करके आपके सामने आ चुका है। इस तरह से आप पैन कार्ड अगर होगा
तो 10% ही कटेगा, 4 लाख का 10% 40,000 रुपए होगा। ये बात तो आपको पता ही है, पिछले वीडियो में हमने 20% काटा था, क्यों? क्योंकि पैन कार्ड अवेलेबल नहीं था क्रेडिटर पार्टी का। तो ये क्रेडिटर पार्टी को रखना बहुत जरूरी है, कंट्रोल ए प्रेस कर लीजिए, और जब भी आपको इस एंट्री को देखने का मन हो तो दो बार डी प्रेस कीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कमीशन के नाम से आया हुआ है, अगर इसको प्रिंट करना चाहे तो ऑल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए, और करंट को ही प्रिंट करना है तो यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रीव्यू मैं दिखा देता हूँ, ये प्रीव्यू है, और थोड़ा जूम कर देता हूँ तो इस तरीके से ये आपका आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।